और बोकारो से बड़ी खबर है। यहां सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी की कार पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को घर जाते वक्त सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी की कार पर गोली चली थी। हालांकि उस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से अली रजा, फैजान अली, साजिद हुसैन और मोहम्मद दानिश अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ अपराधकर्मी राज्य से बाहर के भी हैं, जिनका बोकारो में लगातार आना जाना पहले भी लगा रहता था। उसमें से एक मोहम्मद दानिश, जो जमुई जिला का रहने वाला है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और अली रजा, जो माराफारी क्षेत्र आज़ाद नगर का रहने वाला है, फैजान अली, जो आज़ाद नगर माराफारी का ही रहने वाला है, साजिद हुसैन भी आज़ाद नगर माराफारी का रहने वाला है। इन सारे अपराधकर्मियों के द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र का रचना करते हुए दहशत फैलाकर रंगदारी मांगने का उद्देश्य के तरह तहत ये पूरा घटना को कारित किए हैं, और इसमें अन्य अपराधकर्मी भी शामिल है जिनका नाम भी स्पष्ट हो गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।